Assalamualaikum guys, I'm back with another tutorial video. तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह अपने GTA 5 स्टोरी मोड के अंदर हाइस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. एंड चलते हैं अब हम लोग वीडियो की तरफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे GTA 5 की मोडिंग वेबसाइट पे आ गया हूँ. एंड यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट वाले पेज के अंदर से कुछ सेलेक्ट करूँगा जॉब्स, एंड फिर उसके बाद मैं आपको उनको इंस्टॉल करके दूँगा. पहले हम लोग करते हैं फ्लिका बैंक हाइस्ट और रेड हाउस हाइस्ट, ये पता नहीं कौन सी है. उसके बाद आती है पैसिफिक स्टैंडर्ड हाइस्ट, ये कर लेते हैं. अब पे डे, उसके बाद आ जाती है नीचे कायो पेरिको हाइस्ट, ये भी हम लोग कर लेते हैं. डायमंड कैसीनो हाइस्ट, ये भी हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट. एंड बस यूनियन डिपॉजिटरी, बस इतनी. ये हैं चार हाइस्ट, एंड इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये हाइस्ट हम लोग आज के लिए इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा. क्लोज करते हैं. उसके बाद कायोपरिको भी आ गया है, पैसिफिक स्टैंडर्ड भी आ गया. कायोपरिको का कुछ इन्होंने आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, वो क्या था, फिक्स नॉट ऑल इन कंपाउंड इन सेटअप, ठीक है. तो ये भी हम लोग डाउनलोड करते हैं. आती है कायोपेरिको बेटा वर्जन में, इसको भी हम लोग आपको बताते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है. तो उसके बाद आपको करना है कि आपको GTA 5 अपनी ओपन करनी है. उसकी डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना है स्क्रिप्ट नाम का, ठीक है. जैसे कि मेरा ये बना हुआ है SCRAPTS, ठीक है. स्क्रिप्ट नाम का कोई फोल्डर बना लेना है. एंड देन उसके बाद आपको जहाँ पर आपने डाउनलोड किए हैं मोड, वहाँ पर आपको चला जाना है. जैसे कि ये, एंड यहाँ पे मैं सबको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ईच टू सेपरेट फोल्डर. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है फ्लिका बैंक हाइस्ट. इन तीनों को उठा के ना स्क्रिप्ट के अंदर आपको फेंक देना है, ठीक है. ये आ गया जी. उसके बाद आती है जी पैसिफिक स्टैंडर्ड हाइस्ट. इसका रीड भी हम लोग चेक कर लेते हैं. तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका लिंक मैं आपको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. एंड अभी आपको क्या करना है कि इन तीनों को उठा के स्क्रिप्ट के फोल्डर में फेंक देना है, बस, ठीक है. एंड इन्होंने यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, एक दो तीन, बस, ठीक है. सिर्फ फिर फेंक देना. उसके बाद आती है फाइल आगे, जो के नाम की वो आती है कायोपेरिको. कायोपेरिको हाइस्ट का थोड़ा सा है यहाँ पे ये मसला, तो वो बाद में सेट करना बता देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं, कह रहे हैं हाउ टू स्टार्ट मोड्स, ठीक है. इन सब को आपको क्या करना है कि इन सब को उठा के ना आपको यहाँ पे फेंक देना है स्क्रिप्ट के अंदर. सिंपल, सिर्फ स्क्रिप्ट के अंदर फेंक देना है. चेक कर लें आप लोग एक बार दोबारा से, यहाँ ये एंड रिप्लेस, ओके, गुड हो गया. तो बस आपको अब यहाँ पे इसको ओपन करना है. एंड ये आपको दे रही है लेमन UI का लिंक, आपको ये कॉपी करना है. एंड यहाँ से इधर रख देते हैं. मैं बाय द वे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक हो गया. ये कुछ KBS की फाइल है, ये भी अब मैंने इंस्टॉल कर ली है. एंड इसको जो है ना मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ ना, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ. बस ये आसानी हो जाएगी बाद में. बस इसको मैंने डिलीट कर दिया. आगे बात आती है डायमंड कैसीनो हाइस्ट. डायमंड कैसीनो हाइस्ट पे भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ओपन आई वी. देन उसके बाद आती है ओपन आई वी स्क्रिप्ट डॉट नेट और स्क्रिप्ट हुक वी, बस यही फाइल्स हैं, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो तीनों बाय फाइल्स हैं ना, ये वाली, इसको आपको उठा के फेंक देना है यहाँ पे स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है. ये फ्रैंकलिन का आउटफिट और ये कुछ है चीज़ें, ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको इसे, इसको आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, क्या कहते हैं उसे, जैसे कि सिंपल गाड़ियाँ ऐड ऑन करते हैं वो. ये DLC लिस्ट में आ गई है फ्रैंकलिन का. ये मैंने इधर सूट जो है ना डाल दिया है. उसके बाद इसको जो है ना, इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. उसके बाद आपको ओपन करना है ओपन आई वी को. GTA 5 विंडोज़ के लिए मैंने ओपन कर लिया है. एंड एक साइड पे हम लोग इसका ओपन कर लेते हैं DLC लिस्ट, और एक साइड पे फ्रैंकलिन वाला आ जाएगा. साइड बाई साइड रख देते हैं मोड्स, अपडेट RPF, कॉमन डाटा, एंड उसके बाद यहाँ पे DLC लिस्ट आ जाएगा. एडिट मोड पे आपको पहले ही चला जाना है. यहाँ ओपन कर लिए, यहाँ से मैंने इनमें से मैं किसी भी लाइन को ना
कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं ऊपर ये आगे आगे ये मैंने पेस्ट कर दिया है। वहाँ बस इस नाम को जो आपको हटा देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो नाम है इसको आपको करना है कॉपी बंद, और इस जगह पे आपके आपको करना है पेस्ट। ये हो गया पेस्ट, ठीक है, सेव कर देना है। एंड बस ये वाला मोड भी इंस्टॉल हो गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक सेकेंड का, रीड में वो भी बंद कर देना है। ये बंद कर दिया, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लेमन यू आई। लेमन यू आई को आपको करना है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद ये सारी फाइल्स हैं लेमन यू आई की, तो इसको आपको फेंक देना है वहाँ पे स्क्रिप्ट के फोल्डर में। ये 5M का क्या है भला, .NET RPH रेज प्लग इन होगी। ये आपको इतना ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना सारे, ये सारे उठा के आपको स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में फेंक देना है। ये टेरा कॉपी से मैंने फेंक दिया। बस लेमन यू आई भी ऐड हो चुका है। अब आपको करनी है गेम बंद, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड उसके बाद अभी GTA 5 को ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ना हम लोग गाइस गेम के अंदर आ चुके हैं, एंड मैं आपको अब दिखाता हूँ कि हाइस्ट को। एंड ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये एक आई है वॉल्ट एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट, ये खैर वो है। एंड ये आज के वॉल्ट क्रैकिंग, एंड ये सारा आई थिंक उसका है, क्या कहते हैं, कायो परी को कह रहा हूँ उसका, डायमंड कैसीनो का। एंड उसके बाद यहाँ पे भी कुछ हार्ट है, थर्मल ड्रिलर, एंड ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जो एक और हमने किया है इंस्टॉल, वो है ये वाला फ्लिका बैंक हाइस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ की गाड़ी फाड़ लेते हैं। रुक जा, वो की गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी गाड़ी पकड़ते हैं, चलते हैं वहाँ तक आते हैं। तो अभी ना यहाँ पे हो रहा है कि क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल भर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, और यार ये क्या हो गया, स्पूटर ओपन हो गया। तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है ना वो पेट्रोल भर रहे हैं, फिर चलते हैं। उसके बाद आई थिंक बस इतना काफ़ी है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। $3 का इतना ज़्यादा भारी है, चलो फिर भी फ्लिका बैंक की तरफ चलते हैं आगे। ओ पी हो गया जी, ओपी हो गया, गाड़ी हमारी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी पीछे से रही नहीं है, एक साइड से रही नहीं है यार। गाड़ी कुछ कस्टमाइज करते हैं अभी जो हमारे पास है। ओपी हो गया, ओपी हो गया, हम भागे गाड़ी। ओए होए 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 ओ ओ हो 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 उसको नहीं छोड़ना, ऐसा मुझे फंसाया है। क्या आहिस्ता आहिस्ता टायर पंचर करूँगा, उसकी गाड़ी फाड़ूंगा। ओ पी ओ यार क्या हो रहा है, छोड़ो इसको, माफ़ कर देते हैं आज जिंदगी में पहली बार, माफ़ कर देते हैं। मार तो दूंगा ओपी, ओ सुपरा भाई यार, ओ पीछे से गाड़ियाँ देखो, इतनी गाड़ियाँ लास्ट सेंटोस में अब आ गई हैं, बाकी आप अफ्रीका के पास पहुँचने वाले हैं। अगला शीशा बहुत गंदा लग रहा है वैसे, ये मेंटेन अपना मेंटेन। बस ये आ गया मैप के अंदर, उसका ब्लिंक नज़र आ रहा है। एंड अभी यहाँ पे खड़ी करते हैं, दूसरी साइड चलते हैं रोड के, अच्छी सी एक जो है ना गन को हाथ पकड़ लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पे जो है ना ये हो गया जी, ये बंद। और अभी इसको क्या करना है कि क्या करने लगा था, हाँ वेपन जो है वो मैं सारे लेने लगा था। अब चलते हैं, बिगैन रॉबरी कर दी अब मैंने, अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। गाड़ी जो है ना मेरा मन है कि थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी। ओ शूट द कैमराज, ठीक है, स्टार्ट हो गई है यहाँ पे हाई स्टो। यहाँ पर मैंने आगे गाड़ी खड़ी कर दी है, एंड बैग शैग पहन लिया है। आप निकलते हैं आगे अंदर की तरफ, वहाँ से अच्छी सी एक जो है ना दुकान ले लेते हैं, नीचे बैठ जा, बैठ जा नीचे। ये कैमरा टूट गया है, लास्ट रहता है ये वाला कौन सा है भाई, कौन सा कैमरा है, ठीक है। अभी
इसको जो है ना हमने जाके इस वाले को जो है ना हमें शामिल करना है कि वो हमें रास्ता बताएगा, रास्ता बताओ जल्दी का अल्लाह बताएगी रास्ता जल्दी जल्दी हवा हवा बाहर निकल बाहर निकल जल्दी का बाहर निकल जल्दी का मुझे भी पता नहीं चल रहा मैं क्या है वो जल्दी कर आगे वर्ल्ड फोर वर्ल्ड फोर कुछ भी करना है आसान पुलिस भी मैं आपको तक पीछे पड़ गई है इतना तो हो गया है ना और लॉक ये बहुत हो गया सारे टूट गया ये कैश निकालना है यहाँ से गोल्ड वाह और थप्पड़ मारना ये हो गया ओ भाई क्या हो रहा है ये निकला यहाँ पर ये जो है हम लोग भाई तुम्हारी जो है वो है कंप्लीट एंड भाई ओ ओपी जीते मिल गई है 5 लाख रुपया पेशनली टेक 5 लाख 50 लाख मिला था वो जिसके अंदर 5 लाख ओ हट जाओ भाई और अभी जो है हमारी हाइस्ट कंप्लीट हो चुकी है गाइस तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने एंड वीडियो को शेयर करने एंड अल्लाह हाफ़िज़